जी तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खीरत रोशनी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? तो ये देखें व्यूवर्स, आप लोग मौसम देखें, कितना हसीन मौसम हुआ पड़ा है। और आजकल तो डेली जो है बारिशें हो रही हैं, क्योंकि दिसंबर स्टार्ट हो चुके हैं और दिसंबर जो है वो बारिशों का मौसम होता है। तो ये देखें काले काले बादल छाए हुए हैं। तो आज के व्लॉग में व्यूवर्स, मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी स्पेशल किस्म की खीर बनाना। बहुत ही टेस्टी ये खीर बनती है, तो वीडियो को लाजमी देखिएगा लास्ट तक। और कुछ मैं आपको थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ विंटर जो है वो शॉपिंग भी शेयर करूंगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त आज का व्लॉग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना आप लोगों ने। चलो इलम मेके साफी की दुआ, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। जी तो अभी जो मेरी बेटी है मुझे सुना रही थी इल्म में इजाफे की दुआ, क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो आज इनके होमवर्क में जो था इल्म में इजाफे की दुआ जो थी वो इनको याद करवानी थी हमने, तो ये इसकी प्रैक्टिस कर रही थी अभी। तो ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने अभी खीर बनाने के लिए मैंने दूध जो है चूल्हे पे रख दिया, तकरीबन 3 किलो ये दूध है। दूध को हम पहले अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। दूध मैंने बॉईल कर लिया, जैसे बॉईल हो जाएगा इसके अंदर 3 से 4 मैं डाल दूंगी सब्ज इलायची के। इलायची को क्रश कर दीजिएगा और इसको एक दफ़ा आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं अब ऐड करूँगी उबले हुए चावल। तकरीबन 1 कप आपने उबले हुए चावल लेने हैं। सिंपल आपने चावलों को क्या करना है, पानी में बॉईल कर लेना है अच्छी तरह से। तो ये चावलों को मैंने बॉईल कर लिया था और इसमें 1 कप मैंने चावल डाल दिए हैं। चावल डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने खीर को पकने के लिए छोड़ देना है। तब तक छोड़ेंगे जब तक कि खीर गाढ़ी नहीं हो जाती। और जितनी ज़्यादा आप इसको हल्की आंच पे पकाएंगे उतना इसका जो खीर का जायका है वो और ज़्यादा निकल कर आएगा, बहुत मज़ेदार बनेगी। तो मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देती हूँ खीर को पकने के लिए। जी तो व्यूवर्स, ये देखिए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने खीर को पकने के लिए छोड़ दिया था। अभी ये थोड़ी पतली है तो अभी हम इसे मज़ीद अच्छी तरह से इसको गाढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। और ये देखें, ये जो मैं ब्लॉक्स लेकर आई थी मेट्रो से हिरत के लिए, तो ये हिरत जो है कमरे में ब्लॉक्स के साथ खेल रही है। तो चलें अब मैं आप लोगों के साथ अपने हस्बैंड की थोड़ी सी शॉपिंग जो उन्होंने की थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो देखें खीर को पकते हुए मज़ीद अभी 15 से 20 मिनट हुए हैं और अभी भी ये मुझे थोड़ी सी पतली दिखाई दे रही है। तो मैं क्या करती हूँ, फ्लेम को थोड़ी हाई करके इसको जल्दी से हम गाढ़ा कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं इसके अंदर चीनी डाल दूंगी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा इसके अंदर डाल सकते हैं, जितनी भी डालना चाहें। तो मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर रही हूँ 1/2 कप। चीनी डालने के बाद चीनी को आप अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिएगा। और इसके बाद आपने क्या करना है, फ्लेम को मैं थोड़ा हाई कर देती हूँ और जल्दी से हम खीर को कर लेते हैं गाढ़ा।
तो ये देखें खीर हमारी गाढ़ी हो चुकी है, इसे चूल्हे से हम नीचे उतार देते हैं। और जब आप इसे चूल्हे से नीचे उतारेंगे तो मज़ीद रखे रखे भी खीर और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो चूल्हा हम नीचे से बंद कर देते हैं और खीर को हम नीचे उतार के इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें जी हमारी जो स्पेशल खीर है बनके रेडी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। लाजमी रेसिपी को आप लोग ट्राई कीजिएगा और आपको भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आज के व्लॉग का हम इधर ही एंड करते हैं और उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।